और इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट रामपुर से, आजम खान को सजा सुनाई गई है 3 साल की और उनकी विधायकी भी छीनी जाएगी। सपा नेता आजम खान को अदालत ने 3 साल जेल की सजा सुनाई है और इसके बाद आजम खान अब विधायक नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आप साफ तौर से मान के चलिए कि तत्काल प्रभाव से अब वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है और आजम खान की विधायकी भी चली गई है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत उन पर बड़ी कार्रवाई होना तय है और आजम खान सांसदी छोड़ने के बाद उनकी विधायकी भी जाती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक दोषी करार दिए जाते ही पद से हटा हुआ माना जाए और आज चूंकि 3 साल के लिए जेल की सजा हुई है, हालांकि उनको जमानत दी गई है, लेकिन दोषी करार दिया गया है और कोर्ट से उच्च अदालत जाने के लिए उनके पास महज 7 दिन का वक्त है। लेकिन अगर वो अपर कोर्ट जाते भी हैं तो भी चूंकि सजा सुना दी गई है इसलिए उनकी विधायकी रद्द होना तय है। दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लड़ाई अभी जारी रहेगी। आजम खान का बड़ा बयान भी सामने आया है, बोले हैं, मैं तो संविधान का कायल हूँ और जिंदगी हार सकता हूँ लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़ूंगा। आजम खान का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया रामपुर से, जब वहाँ के MP MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ सजा सुनाई है और 3 साल जेल की सजा सुनाई है। रामपुर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई और भाजपा नेताओं ने बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। आजम खान को अपराधी बता दिया है। हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है आजम खान को, जिसके बाद उनकी विधायकी जाना तय है। विधायकी चली जाएगी, जनप्रतिनिधि कानून के तहत कार्रवाई होना तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि अगर आपको किसी भी कोर्ट में 2 साल से ऊपर की सजा होती है, उसके बाद भले ही आप अपर कोर्ट में चले जाएं, उच्च अदालत में अपील करें, लेकिन आप विधानसभा या संसद के सदस्य नहीं रह सकते। तत्काल प्रभाव से आपकी विधायकी या सांसदी छीन ली जाती है। इस लिहाज से 3 साल की जेल होने के बाद अब आजम खान की विधायकी जाना तय है। अपर कोर्ट में अपील करने के लिए कोर्ट ने उनको 7 दिन का समय दिया है और अपर कोर्ट में जाकर के वो फिलहाल जेल जाने से बच सकते हैं, लेकिन उनकी विधायकी जाना तय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे आजम खान, ये तय है। जिंदगी हार सकता हूँ लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़ूंगा। आजम खान ने बड़ा बयान भी इस सजा के ऐलान के बाद कहा है और कहा है कि मैं तो लगातार कोर्ट में पता नहीं कितने केसों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और कोर्ट ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, सही किया। रामपुर में सियासी सरगर्मियां इसके बाद साफ तौर से तेज दिखाई दे रही है। हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और इसके बाद भाजपा नेताओं ने बयानबाजी भी शुरू कर दी है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि आजम खान तो अपराधी हैं, जैसा उन्होंने बोया है उसी को अब वो काट रहे हैं। आजम खान की विधायकी चली जाएगी और जनप्रतिनिधि कानून के तहत उन पर कार्रवाई होगी। साफ तौर से जानकारों को मानना है कि आजम खान अब विधायक नहीं रह सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरह से अगर आपको 2 साल से ऊपर की सजा सुनाई जाती है, उसके बाद आप विधायक के पद पर नहीं बने रह सकते। कोर्ट ने उच्च अदालत जाने के लिए 7 दिन का समय दिया है और निश्चित तौर से आजम खान के वकील अपर कोर्ट में जाएंगे, लेकिन फिलहाल उनकी विधायकी रद्द होना तय है। इतना कम से कम तय हो गया। हालांकि जमानत उनको कोर्ट ने दे दी है और अपर कोर्ट में जाकर के वो सजा से बच भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल की अपडेट यह है कि आजम खान की विधायकी जाना तय है। भले ही आजम खान ने कहा है कि मैं जिंदगी हार सकता हूं, लेकिन संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, संघर्ष करना नहीं छोड़ूंगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट रामपुर से हम आपको बता रहे थे। सियासी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में तेज हो गई हैं, क्योंकि आजम खान को फैसला सुनाया गया है।